Dear student, today we are discuss second tools of financial statement analysis, common size statement. Common size statement are accounting statement expressed in percentage of some base rather than rupees. Mean rupees ko kisi ek particular aadhar par pratishat mein convert karti hai, present karti hai, jisse diye gaye data ko analyze karna aasan banati hai, comparable banati hai. कैसे? फर्स्टली हम इसमें सीखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट. कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर डिफरेंट पीरियड हेल्प टू हाईलाइट द ट्रेंड इन डिफरेंट आइटम्स. डिफरेंट आइटम्स के ट्रेंड्स को हाईलाइट करती है. इट इज प्रिपेयर फॉर डिफरेंट फर्म इन ए इंडस्ट्री. इट्स अ फैसिलिट टू असेस द रिलेटिव फाइनेंशियल साउंडनेस. फाइनेंशियल रूप से कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किन पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग है, किन पॉइंट पर वीक है, एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. और फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाने में भी हेल्प करती है. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्टली फॉर्मेट में अरेंज करेंगे. मैंने यहाँ अरेंज किया हुआ है पर्टिकुलर कॉलम अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा. वही इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेड में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, प्रीवियस ईयर के डाटाज को मैंने यहाँ अरेंज कर रखा है दी हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. अगर आपके पास शेयर होल्डर फंड 12 लाख है, नॉन करंट लाइबिलिटी 6 लाख है, करंट लाइबिलिटी 2 लाख है, एंड टोटल एसेट्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, 20 लाख. सेम नॉन करंट एसेट 14 लाख, करंट एसेट्स 6 लाख, एंड टोटल एसेट्स 20 लाख. अब फर्स्टली आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया कि कॉमन साइज स्टेटमेंट मेंटेन करते हुए एक पर्टिकुलर बेस अमाउंट पर हम परसेंटेज निकालते हैं. बैलेंस शीट में दिए हुए ईयर के टोटल के बेसिस पर, दैट मीन बेस अमाउंट जो होगा उस साल की बैलेंस शीट का टोटल, जैसे 2019 में बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 20 लाख इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, एंड सेम एज एसेट साइड 20 लाख. दैट मीन जब हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे शेयर होल्डर फंड की, शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी है, 12 लाख. दैट मीन 12 लाख बाय 20 लाख इनटू 100, देन परसेंटेज आ जाएगी आपके पास कितनी, 60%. सेम एज 6 लाख बाय 20 लाख इनटू 100, कितने परसेंट आ गया, 30%. 2 लाख बाय 20 लाख इनटू 100, 10%, एंड आफ्टर देन 20 लाख बाय 20 लाख 100. आपकी इन परसेंटेज का टोटल भी 100 ही बनना चाहिए. अगर नहीं बन रहा, दैट मीन आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है. सेम एज एसेट साइड आएंगे तो वहाँ भी सेम मेथड फॉलो करेंगे. 14 लाख बाय 20 लाख इनटू 100, दैट मीन 70%. 6 लाख बाय 20 लाख इनटू 100, दैट मीन 30%. टोटल आ गया 100%. सेम 2020 का डाटा अरेंज करेंगे आप, और परसेंटेज अब उस साल की बैलेंस शीट के टोटल के बेसिस पर, दैट मीन उस साल बेस अमाउंट आपको क्या उठाना है, 30 लाख. जैसे यहाँ कितना है, 30 लाख, दैट मीन 18 लाख बाय 30 लाख इनटू 100, दैट मीन 60%. 6 लाख बाय 30 लाख इनटू 100, दैट मीन
20%, सेम 6 लाख बाय 30 लाख इंटू 120%, टोटल 100%, 21 लाख बाय 30 लाख 70%, एंड 9 लाख बाय 30 लाख दैट मीन 30%, टोटल आ जाएगा 100। क्लियर? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपको बैलेंस शीट में अमाउंट को जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है दी हुई इयर्स के बैलेंस शीट के टोटल के बेसिस पर, दैट मीन 2019 की जैसे हमने यहाँ बैलेंस शीट में बेस अमाउंट किसको उठाया 20 लाख, और 2020 का बेस अमाउंट क्या उठाया 30 लाख। थैंक यू।